बंधु के लिए देखा के लिए ना, लेकिन अगर बंधु बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को कंट्रोल करके लेकिन कष्टी और कल के अपेक्षा जो है दर्शक काफी ज्यादा मात्रा में आज सड़ी हुए हैं और यहाँ से टिंकू का शॉट होगा, लेकिन टिंकू ने यहाँ पर जोश ना खत्म होने वाला है, लेकिन हम अपन जरा फिर से बाहर मुझे क्या गति अभी चुका काफी समय है इसी पहले के बाद पहले लाल का और कला सेंटर से इसी पहले का जो है उधर का गांव है, क्योंकि इनके होम ग्राउंड पर हमने इनका खेल देखा था। फर्स्ट राउंड का स्वागत राउंड का मैच गजब का मैच खेला था सीत पहाड़ी की टीम ने, क्योंकि फर्स्ट राउंड के मैच में मात्र 30 सेकंड या 20 सेकंड का समय था इनके पास और ये एक सीरीज के पीछे चल रहे थे, लेकिन 10 या 20 सेकंड के अंदर मैच को वापसी करके मैच को जीत लिया था। सिर्फ पहाड़ी के पास ऐसा हुआ है। अगर आप क्वार्टर राउंड की बात करें तो क्वार्टर राउंड का मात्र 1 मिनट का समय शेष रह गया था, ऐसे में मैच को वापसी करके लेकिन किसी कारण जो है उनको सेमीफाइनल का हार सामना करना पड़ा था, लेकिन आज भी वही मैच पुनः क्या दोहराएंगे सीत पहाड़ी की टीम। हालांकि कोच आपके समय समय पर सीत पहाड़ी के कोच में एक सीधे का हवा जरूर है, लेकिन खेल में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं सीत पहाड़ी के द्वारा। हालांकि अभी तक सही सोच की जरूरत है, यहाँ से मैच में वापसी आने के लिए ज्यादातर चांसेस रहेगा। अच्छा पास वहां पर साइमन के लिए, जिस जगह पर वो वहां साइमन, लेकिन वहां पर वीरेंद्र ने गेंद को खेल लिया सिकितन के लिए और सिकितन वहां पीछे की ओर नेम पास खेलते हुए बरुण टुडू, बरुण ने यहाँ पर सपोर्ट को खेल लिया, लेकिन थोड़ा सा इनका पासिंग एक्यूरेसी जो था वो सही हो गई। इसी बीच यहाँ पर टिंकू ने कहा और साथ ही साथ जितने भी दर्शक हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, खुशी की बात है कि आप यहाँ पहुंच गए हैं, मैच जो है आप देख रहे हैं, लेकिन जो घर में हैं आपके पड़ोस में
आपके दोस्त आपके परिजन या कहीं आपके दोस्त या बाहर का लोग हैं, अगर वो यहाँ के गांव का हरेक मैच देखने के लिए है, अगर लगातार ये देखने चाहते हैं तो आप उनको जरूर इन्फॉर्म करें। एक एक वीडियो चैनल पर जो है यहाँ का गांव का हरेक मैच का जो है लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। एक एक वीडियो आप YouTube चैनल पर जाइए और YouTube पर जा करके सर्च बॉक्स में केवल सर्च कीजिए AM वीडियो कैपिटल अक्षर में, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ के जो मैच का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है वो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर SP फुटबॉल प्लेयर टीकू जी इनके द्वारा भी यहाँ पर मैच का कवरेज किया जा रहा है, जो कि ये भी अपने YouTube चैनल SP फुटबॉल ब्लॉगर के माध्यम से यहाँ के हर एक मैच को अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक प्रसारित कर रहे हैं कल से। तो मैं टिंकू जी को भी या उसके टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ हमारे AM वीडियो के जो चैनल के जितने भी यूट्यूबर हैं उनको भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही प्रयास बहुत ही मेहनत के साथ जो है यहाँ के हर एक गतिविधि को ये अपने कैमरा के कैद करके लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। इसलिए सभी यूट्यूबर को इस बादोली जली जो कलम हाथी करके उसे बहुत बहुत धन्यवाद। पटना बिहार के एक सूर्य का प्रतिनिधि मैच है, फर्स्ट हाफ का मैच चला है बर्तन अशोक के यहाँ पर बरुलों को खेल लिया, बरुलों ने सिकंदर के छत्र में खेल लिया है। वहां से जैसे नंबर 5 पर है अपूर्व बाबू भी का ये शॉट लेने के लिए टच लाइन से बाहर जाएगी। आलम सिक्कू बहु और आलम और रिक्वेस्ट किया जा रहा है रोड के किनारे अनावश्यक तरीके से अपने गाड़ी को ना लगाए, और खास करके जितने भी दर्शक हैं आपसे खास निवेदन यह रहेगा आप गैरेज से बाहर अपने गाड़ियों को ना लगाएं, क्योंकि कल ऐसा सूचना मिला था कि इस मेले से जो है एक बाइक चोरी हुई है, इसलिए आप अवगत रहे कुछ पैसा के चलते आप अपने गाड़ी को गैरेज में ना रख करके कहीं ना कहीं बाहर रख करके जो है आप इस मैच का आनंद ले रहे हैं, और चोर जो है आपके गाड़ी को बहुत ही यहाँ अच्छी तरीके से जो है आपके गाड़ी को जो है वो देखते हैं कि आखिर करके जो गाड़ी के मालिक है वो कहाँ जा रहे हैं आप तो नहीं सुन रहे हैं, और जैसे उनको पता चला है कि आप घर हैं तो बाहर भी ना कहीं आपके गाड़ी को आसानी से वहां से ले जा सकते हैं, इसलिए जो है आप अपने गाड़ी को कहीं ना कहीं सुरक्षित गैरेज में रखें। यहाँ से पटना बिहार को बड़ी सुंदर गाते को तेज गया गुरु को बोलो ना सुना सुना ओ और ऐसा ही सारा पर मौसम बन रहा है पता नहीं बोले मैं छोड़ कर नहीं रियल गए रियल और इसी के साथ स्मिता ने हमने सुबह तो वाला दस सुबह ने इतवार को तो क्या है इतवार वहां सो मिलने के लिए जाने में लेकिन इस बार की तरह पास लगी वहां ऊपर बाबू ने सुंदर ने कैसे किया लेकिन यहां पर किसी को
और पटना की हार का गलत पकड़े और यहां पर खास नीति हो रहा है किसी पार्टी की खेल को देख रहे हैं कि खेल कहां से जो है किस प्रकार से खेला जा रहा है किस विकेट के द्वारा आप लोग इस हिसाब से खेल के दरमियान भी यहां पर भेद के चेक किया जा रहा है आप गौर कर सकते हैं आप लोग पहले जो खिलाड़ी थे लेफ्ट साइड के हम लोग हैं यहां साइड पर उसको राइट साइड पर भी यहां पर और यहां से देखना होगा सुंदर शॉट लेकिन इस बार सीधे गोल की तरफ पहुंचे सुरक्षित लगा दिया जाएगी और पश्चिमी साइड में शायद गेंद गई है वो बॉयज खास ध्यान रखेंगे जैसे ही बॉल बाहर जाती है वो बॉयज खास ध्यान रखेंगे बॉल के ऊपर और बॉल को तुरंत वापस लाने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट मैच के लिए दोनों ही टीम अभी से तैयारी शुरू कर दें धरती का काम साहब का बादाम भाजा चना भाजा और कुछ समय के लिए यहाँ पर मैं आगे तो होता है
स्टॉपवॉच कैसा है? और आज का जो पहला मैच खेला गया था क्लब चैलेंज में, दर्शक दीपक को नागर एक बार जानकारी के लिए बता दूं, आज का ओपनिंग मैच सेकंड दिन का एमसी सबरी पटना साहेबगंज वर्सेस बीएसके कॉलेज बारहवा के बीच में। इस मैच में बीएसके कॉलेज बारहवा की टीम यहां खेलने के लिए अपनी जगह को सुनिश्चित कर लिया है। साइलेंट को बदल गया बोलो अपने तीर पर बोल भाई सुनिश्चित और आज दिन का टूर्नामेंट का सेकेंड दिन का यह तीसरा मैच मजदूर एकता के लक्षित पहाड़ी और एमसी पटना बिहार के बीच में फर्स्ट हाफ का मैच जिस प्रकार से एक शून्य से पीछे चल रहे हैं सीत पहाड़ी की टीम, सेकेंड हाफ में जी जान लगा दिया है मैच को वापसी आने के लिए। और इसी के साथ जैसे नंबर 14 पर रहे खिलाड़ी गेंद को वहां पीछे की ओर खेल दिया है सुबोध के लिए, सुबोध चरण वहां गेंद को कंट्रोल करने के बाद अच्छा पास निकाले इस बार होमर टाबू ए के लिए और ए ने साइमन को खेल दिया है साइमन होमर टाबू के लिए बड़ा हाथ और होमर टाबू गेंद को रिकवरी करने का प्रयास, लेकिन इस बार पटना बिहार से जर्सी नंबर 10 सिकितर ने यहां पर सपोर्ट को खेल लिया है और अभी तक सुबोध के लिए गए, सुबोध ने यहाँ पर एक बार बंदूक खेल लिया, लेकिन बाहर बाबू का गलत अंदाज में छीनने का प्रयास, सर चेंजिंग सर और यहाँ से जर्सी नंबर 11 आउट सीत पहाड़ी टीम और जर्सी नंबर 12 गेंद एतवार आराम को लूट गया, एतवार मुर्मू की जगह पर रिप्लेस होते हुए सब्स्टिट्यूट बैच से रमसई साइलेन नंबर और बीच में तो अपने आप रह जाओ और ये भी टीम के बहुत ही विश्वासी खिलाड़ी हैं, देखना होगा ये क्या कुछ करते हैं, इनके पास क्या क्या एनर्जी है, क्योंकि अभी ये सब्स्टिट्यूट बेंच से ग्राउंड के अंदर इनको मौका दिया गया है और यहाँ से गोल की गले देवी इस बार पटना बिहार अशोक का लंबा शॉट अपने सहयोगी प्लेयर्स को ढूंढते हुए, लेकिन इसी बीच यहाँ पर सुबोध ने ओपन टाबू को खेला है, इसी के साथ यहाँ पर लंबा पास ओपोनेंट टीम के पनाल्टी क्षेत्र के लगभग से जर्सी नंबर 16 पहने हुए एक सुनते
और देखना होगा सेकेंड बल की तैयारी में
Thank you.
Parum bol rya ye mua additional time ma parum bol rya kana और इसी के साथ